सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पार्ट 20 क्रिया का अध्ययन करेंगे। यह पार्ट कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, हम अपने इस पार्ट को शुरू करते हैं, पार्ट 20 क्रिया। बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वाक्यों को पढ़ूंगी। जो आपके सामने ये चित्र दिख रहे हैं, इन्हीं वाक्यों को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। पहला, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। कुत्ता गेंद उठा लाया। मोची ने बड़े सुंदर जूते बनाए। सूर्योदय हो रहा है। ये मेरे दादा दादी जी हैं। मीरा के घर के पीछे छोटा सा तालाब है। बच्चों, मैंने आपके सामने जो वाक्य पढ़े हैं, इन वाक्यों में आपको कुछ शब्द जो हैं वो रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन रंगीन शब्द क्या हैं? जैसे कूद रही है, उठा लाया, बनाए, हो रहा है और है। पदों से किसी ना किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है। ये क्रिया पद है। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे धातु। किसी क्रिया शब्द के अनेक रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है, उसे धातु कहते हैं। यही क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे पढ़, लिख, जा, सो, उठ, हंस आदि। फिर हम देखेंगे बच्चों, जाना, जाओ, जाता, जाएंगे या जा रहा शब्दों में जा अंश समान रूप से आया है। अतः जा क्या है? धातु है। धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, उठना आदि। धातुओं का प्रयोग तू के साथ अज्ञार्थक रूप में दिखता है। जैसे तू खा, तू पढ़ आदि। अब हम देखेंगे बच्चों क्रिया के भेद, कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया के वर्गीकरण के दो आधार हैं, कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद और रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहली अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ सो रही है, घोड़ा तेज दौड़ता है, हाथी नदी में नहाता है। इन वाक्यों में बच्चों, माँ, घोड़ा और हाथी कर्ता है और सोने, दौड़ने तथा नहाने की क्रिया का परिणाम या फल भी कर्ता पर ही पड़ रहा है। अतः ये क्रियाएं क्या है? अकर्मक है। अकर्मक क्रिया की पहचान। यदि वाक्य की क्रिया के साथ किसे, किसको लगाकर प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर ना मिले, तो वह क्रिया अकर्मक होती है। उपयुक्त वाक्यों में जैसे किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः सो रही है, दौड़ता है तथा नहाता है, ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि। अब हम दूसरा देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्मयुक्त क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे भैरवी पत्र लिख रही है, बंदर केला खाता है, शिल्पकार मूर्तियां बना रहा है। इन वाक्यों में भैरवी, बंदर और शिल्पकार ये क्या है? कर्ता है, किंतु क्रिया का फल या प्रभाव उन पर नहीं बल्कि
पत्र, केला और मूर्ति शब्दों पर पड़ रहा है, जो कि क्या है? कर्म है। अतः ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे भैरवी क्या लिख रही है, ये क्या है? प्रश्न है। उसका उत्तर हाँ, क्या है? पत्र। अतः लिखना सकर्मक क्रिया है। खाना पीना, बनाना, लिखना, पढ़ना, ये सब आदि क्या है? ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहला एकर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले देखेंगे एककर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एककर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधों को सींच रहा है, नेहा बर्तन धो रही है, बच्चे कैरम खेल रहे हैं। इन वाक्यों में पौधों, बर्तन और कैरम एक एक कर्म है। अतः सींच रहा है, धोती है या खेल रहे हैं, ये क्या है? एककर्मक क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे बच्चों द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जूही ने लता को उपहार दिया, पिताजी ने राकेश को नए जूते दिलवाए। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, लता और उपहार, राकेश और जूते। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक हैं। अब हम देखेंगे, पहला हमने देखा था कर्म की दृष्टि से, अब हम देखेंगे खा रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए कहता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, मोहन ने रोहित के हाथ अध्यापक को प्रार्थना पत्र भिजवाया। इन वाक्यों में बच्चों की दो दो कर्ता है, माँ और धोबी, मोहन और रोहित। माँ और मोहन कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं और धोबी तथा रोहित क्रिया के कर्ता हैं। धुलवाती है और भिजवाया, ये क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं को प्रेरणा देता हुआ प्रतीत होता है, कर्ता क्रिया स्वयं करता है। जैसे शीला भाई को खाना खिलाती है, माँ अपने पुत्र को सुलाती है। अब हम देखेंगे बच्चों दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित ना होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए कहता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे डॉक्टर नर्स से दवा रोगी को दवा दिलवाता है, राधा आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। अब हम देखेंगे बच्चों कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं जो इस प्रकार से हैं। पहला मूल क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया और सॉरी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और तीसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो मूल क्रिया है हमारा पढ़ना और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है पढ़वाना। उसी प्रकार से मूल क्रिया है चलना और उसका प्रेरणार्थक क्रिया है प्रथम प्रेरणार्थक चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक है चलवाना। इसी प्रकार से ये सभी हैं जो हम इसी प्रकार इन्हें पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे दूसरा संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्द मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि अब मुझे घर जाने दो, सभा में लोग आते जा रहे थे, दिव्या खाना खा चुकी है। ये भी जो वाक्य हैं बच्चों जो मैंने आपके सामने पढ़े, ये भी रंगीन शब्द हैं इसमें कुछ, और इसमें क्या है? दो दो क्रियाएं हैं। जैसे जाने
और दो आते जा रहे थे खा चुकी है, इसलिए इनसे बनी जाने दो आते जा रहे थे खा चुकी है। ये क्रियाएं क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं। अब हम देखेंगे नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे मिठाइयों पर मक्खियां भिनभिना रही थी, देर रात तक दोनों बतियाते रहे, अजनबी को देखकर घोड़ा हिनहिनाने लगा। इन वाक्यों में भी बच्चों रंगीन पद नाम धातु क्रियाएं हैं और इनमें भिनभिना और क्रिया और भिन्न भिन्न अनुकरणवाची शब्द और बतियाते क्रिया, बात संज्ञा और हिनहिनाने क्रिया भी अनुकरणवाची शब्दों से बनी है। अब हम देखेंगे बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणात्मक शब्दों से धाम धातु क्रियाएं किस प्रकार बनती हैं। पहला संज्ञा शब्द है हमारा हाथ, जो नाम धातु उसकी क्रिया है हाथ का हथियाना। फिर बात संज्ञा शब्द है, इसका नाम धातु क्रिया है बतियाना। फिर हम देखेंगे अनुकरणवाची शब्द है हमारा भिन्न भिन्न, इसका नाम धातु क्रिया है भिनभिनाना। फिर हम देखेंगे चमचम, अनुकरणवाची शब्द है, इसका नाम धातु क्रिया है चमचमाना। फिर हम देखेंगे विशेषण शब्द गरम, गरम का गरमाना। फिर तोतला, तोतला का तुतलाना। फिर हम देखेंगे बच्चों सर्वनाम शब्द हमारा है अपना, अपना का नाम धातु क्रिया है अपनाना। अब हम देखेंगे बच्चों पूर्वकालिक क्रिया, वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने व संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इनकी रचना धातु में कर अथवा कर के लगाने से होती है। जैसे माँ नहाकर पूजा करती है, लड़की सांप को देखकर डर गई, गिरीश दूध पीकर सो गया। इन वाक्यों में भी बच्चों पूजा करना, डर गई और सो गया मुख्य क्रियाएं हैं, किंतु नहाकर देखकर पीकर क्रियाएं उनसे पहले संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको इस पाठ का सारांश बताती हूँ, इसकी प्रमुख बातों को बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रियाएं अकर्मक तथा सकर्मक होती हैं। सकर्मक क्रियाएं एककर्मक या द्विकर्मक होती हैं। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ सहायक या रंजक क्रिया होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक ही होती हैं। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं कर या कर के लगाकर बनती हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पार्ट, पार्ट 20 क्रिया पढ़कर समझाया, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। धन्यवाद।